तो गाइस आईपीएल 2021 का डेट पड़ चुका है, लेकिन डेट पड़ने के बाद अब जो हिटर्स हैं और साथ में जो भी अभी आईपीएल के विरुद्ध में बोल रहे हैं, अब उनकी जो सवाले हैं वो काफी बड़ी बड़ी आगे आने लगी है। और गाइस अब काफी ज्यादा जो हिटर्स हैं, जो आरसीबी, चेन्नई या फिर जितने भी हिटर्स हैं, जो टीम टॉप पे बैठी है, उन्हें साफ साफ कह रहे हैं कि ये आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ में अब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके टर्म और कंडीशन है। कुछ क्वेश्चन भी उन्होंने बताए हैं कि आखिर इनके कारणों वजह से चेन्नई और जितने भी टीम्स हैं वो क्वालिफाई आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में नहीं कर पाएगी। और गाइस उन्हीं में क्वेश्चन को इस वीडियो में थ्रो करने वाला हूं और पूरी तरीके से डिक्लेयर करके बताने वाला हूं कि क्या सचमुच चेन्नई नहीं पहुंचने वाली है प्लेऑफ में। सो गाइस काफी डिटेल वीडियो है, ये वीडियो अभी प्ले के पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का बटन दबाओ, उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में, जो कि सभी लोगों के दिमाग में अभी चीज फैली हुई है कि चेन्नई प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। सबसे पहला कारण इनके सामने जो आ रहा है वो है यूएई की कंडीशन। अब काफी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूएई की कंडीशन चेन्नई को रास नहीं आता, क्योंकि आईपीएल 2020 में चेन्नई क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो इसमें मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि चेन्नई की आईपीएल 2020 सिर्फ एक सीजन खराब हुआ और वो भी यूएई में जाकर। तो काफी लोग कह रहे हैं कि यूएई की कंडीशन राज नहीं आ रही, और जब आईपीएल जब गया था, अगर मैं बात करूं यूएई गया था 2014 में, तो वहां चेन्नई ने अपने बचे जितने भी 6 मुकाबले खेले थे 5 मुकाबले वहां से जीत के आई थी। तब कोई ये नहीं कहने गया था कि वहां पे चेन्नई का परफॉर्मेंस गड़बड़ था, ये चीज खराब है। लेकिन जब आईपीएल 2020 एक सीजन जब चेन्नई का खराब गया, तो उसके बाद सभी लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ पे प्लेऑफ में अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। वो बताने वाला हूँ कि कैसे क्वालिफाई करेंगे, वो तो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन पहली चीज जो नोटिफाई जो पूरी तरीके पे ये एकदम बेतुका जो सवाल है सभी लोगों का, ये साफ साफ कह रहा है कि यूएई की कंडीशन चेन्नई को रास नहीं आएगी। लेकिन आप ये एक अच्छी तरीके से सुन लीजिए कि आईपीएल 2021 में चेन्नई काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आने वाली है। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, और ये जो दूसरी चीज सामने आ रही है वो है कि चेन्नई को जो मेगा लॉस होने वाला है। अब काफी लोगों का ये कहना है कि सैम करन, मोइन अली, ये दो जो खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, आईपीएल 2021 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, वो इस सीजन में अगले कुछ मुकाबलों में हिस्सा नहीं रहेंगे, इस वजह से चेन्नई को मेगा लॉस होगा और इस वजह से ये प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। सो मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि ये मोइन अली खिलाड़ी हो जाए या फिर सैम करन जैसे खिलाड़ी हो जाए, ये खिलाड़ी पहले भी फ्रेंचाइजी में खेलते थे, मोइन अली आरसीबी में खेलते थे, और सैम करन की बात करें तो ये पंजाब किंग्स में खेलते थे। यानी ये दोनों खिलाड़ी अलग अलग टीम्स में खेलते थे, लेकिन चेन्नई में आने के बाद इनकी पूरी तरीके पे हाव भाव बदल गया था। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी ये काम करता है जो कि विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करता है। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं एमएस धोनी इन सभी खिलाड़ियों को अच्छे पोजीशन पे उतारते हैं, इनके जो कि टैलेंट है उसे उभारते हैं, उसके बाद ये खिलाड़ी काफी बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। और ये दो खिलाड़ी अगर आईपीएल के रिमेनिंग पार्ट में नहीं रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि चेन्नई यहाँ पे बाहर हो जाएगी, चेन्नई मैचेस हारने लगेंगी, क्योंकि धोनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी को किस पोजीशन में उतार के उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो कैसे निकलवाया जाए। और इस तरीके से ये भी जो दूसरा क्वेश्चन है जो कि सभी लोग हेटर्स जो पूछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस कारण की वजह से भी चेन्नई नहीं पहुंच पाएगी, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई करने वाली है। ये जो मेगा लॉस हुआ है उससे चेन्नई को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं तीसरे चीज के बारे में, और ये है कि चेन्नई के जो बचे हुए हैं टफ मैचेस वो काफी ज्यादा दिक्कत करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करूं तो चेन्नई प्लेऑफ में अभी पॉइंट टेबल की बात करूं तो इन्होंने अपने खेले गए 7 मुकाबले जो बचे हुए हैं इन्हें सिर्फ 3 मुकाबला खेलना है, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई के बाकी जो मुकाबले हैं 10 पॉइंट ये जीत चुके हैं, 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीत चुके हैं, सिर्फ इन्हें अब 3 मुकाबले जीतना है। लेकिन यहाँ पे काफी लोगों का ये कहना है कि चेन्नई के जो मुकाबले आने वाले हैं वो टफ टीमों से आने वाले हैं, तो ऐसे में चेन्नई हार सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करना चाहूंगा कि चेन्नई के जो 3 टफ मैचेस हैं, एक मुंबई के खिलाफ है, एक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है, एक आरसीबी के खिलाफ है। लेकिन ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चेन्नई को चाहे जितना टफ मैचेस आ जाए इनका परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट निकलता है। टफ टीमों के सामने ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुंबई एक लॉटरी टीम है जिससे चेन्नई को काफी ज्यादा हार मिली है, नहीं तो बाकी जितने टीमें हैं सबको चेन्नई सुपर किंग एक तरफा हरा के आई। और गाइस इस तरीके से बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है
ये भी पूरी तरीके से खारिज किया जाता है कि चेन्नई यहाँ पे टफ मैचेस मिलने वाले हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं चौथी चीज के बारे में, और ये पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई है। पॉइंट्स टेबल में काफी लोग कह रहे हैं कि चेन्नई हो सकता है पिछड़ जाए, अपने बचे हुए 7 मुकाबले में 4-5 मुकाबले हार जाए। तो ऐसे में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो टीम यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है आईपीएल 2021 के फर्स्ट फेज में, इनका जो कि पूरी तरीके से मैचेस में वो काफी अच्छे गए हैं, पूरी तरीके से टीम कॉन्फिडेंस में है, तो ऐसे में कोई भी चीज यहां पे चेन्नई को डगमगा नहीं सकता है, क्योंकि चेन्नई को सिर्फ 3 मुकाबले जीतने अपने खेले गए मुकाबलों में। और ऐसा हो सकता है कि चेन्नई जो कि हेटर्स है उनकी भी काफी ज्यादा यहाँ पे बोलती बंद हो सकती है, हो सकता है 7 में से 5 मुकाबले ये जीत के पॉइंट टेबल पे टॉप पे ही पहुंच सकते हैं, उसके बाद ये फाइनल्स भी खेल सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाए। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सामने आए थे, अब मैंने इनका सटीक आंसर देने की कोशिश की है। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सब चीजें सही होने वाली है या फिर मैंने जो बोला है वो सही होने वाली है? आपके जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आप जो मतलब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।